बाद देने हैं कि डिपॉजिट के लिए. इट्स सिक्योरिटी मनी राइट. 11 अगर कहीं पर भी आपको साथ लिखा हुआ दिखता है तो 7-11 होता है. वो बिरयानी की है. लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है. आई एम नॉट श्योर लेकिन इंडिया जैसा तो नहीं होने वाला. उसके अलावा पहले हॉस्टल पहुंच चुका हूँ और हॉस्टल जो है वो मेरा ये है वॉगियर हॉस्टल करके. सो गाइस इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे. ताकि मैंने हॉस्टल बुक किया और ये मुझे पर डे का पड़ा है 400 के आसपास पड़ा है. मतलब टोटल 800 समथिंग हुआ है. तो दो दिन रुकने वाला हूँ इसीलिए मैंने हॉस्टल काफ़ी अच्छा किया यहाँ पे. तो अब जब अंदर जाऊँगा तब दिखाता हूँ. अभी मेरे एक बार चेक इन हो रहा है. और मेरे हॉस्टल के बाहर से कुछ ऐसा व्यू है. आज तो बारिश बारिश हो रखी है तो ये पूरा नीचे से पूरा आपको गीला दिख रहा होगा. तो अभी चलते हैं जल्दी से और बाकी जूते वगैरह बाहर निकालने होते हैं. और ये कॉमन एरिया कुछ ऐसा है और ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिखी हुई हैं. गाइज ये सो बात देने हैं कि डिपॉजिट के लिए. इट्स सिक्योरिटी मनी राइट. सिक्योरिटी फीस ओके ओके. सो दिस इज़ की. तो ये मेरे को की मिली है. जब की वापस दूंगा तो सो थाई बाट वापस मिल जाएंगे. ओके लाइक यू कॉफी. इट्स फ्री. ओके ओके लाइक दिस ऑल आर फ्री राइट. ओके 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 आई विल. कैन आई गेट डाउन बेड. एनी डाउन बेड. नो डाउन बेड. ओ ओके. एंड लाइक फॉर से दिस बैग एनी लॉकर. यू हैव की. दिस नपत्री. सो यू हैडंट. यू गिव मी ओनली दिस. दिस नो की. नो दिस की ओनली ओपन द डोर. ओके ओके. एंड यू विल गिव मी दिस की राइट. यस आई हैव की फॉर यू. दिस की राइट. नो दिस नाउ. इट्स और गाइस ये लॉकर है. मेरा लॉकर नंबर 3 है. उसके लिए मैंने ले लिया लॉक. तो इसमें मैं मेरा सामान वामान रख सकता हूँ. और ये एक मिरर है छोटा सा. पूरा भीग गया हूँ. और एक बार बाथरूम भी चेक कर लेते हैं. हाउस द बाथरूम. सो गाइस ये बाथरूम है. छोटा सा बाथरूम है. और मेरा जो बेड है मेरे को ऊपर वाला बेड मिला. वैसे मेरे को ऊपर वाला बेड बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं. और गाइस ये कुछ ऐसा बेड है. गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ फीफी आइलैंड में. सो जस्ट पीछे मेरा हॉस्टल है. 50 मीटर पीछे ही होगा. सो अभी जस्ट मैं बाहर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ. तो भी गाइस सबसे अच्छी चीज़ फीफी आइलैंड के अंदर अगर आप इंडियन हो और आपको इंडियन खाना पसंद है तो भी खा सकते हो. थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा. तो अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven. 7-Eleven इज़ वन ऑफ द बेस्ट अगर बोले तो. जैसे रशिया में जब मैं ट्रैवल करता था तो वहाँ पर पित्रोचका होता था. पित्रोचका में बहुत सारी चीज़ें लेता था और डेली वेजेस काफ़ी सस्ता पड़ जाता था. एक टाइप का सुपरमार्केट होता है. तो वैसे अगर मैं सेम बताऊँ तो 7-Eleven यहाँ का मुझे पित्रोचका लगता है. और अभी जस्ट मेरे सामने कैट है. यहाँ अपना कैट काफ़ी फ्रेंडली होती है. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर 7-Eleven में. तो वहाँ पर मैं कुछ लूँगा. और अगर आप चिकन या मीट वगैरह खाते हो तो वहाँ पर पूछ लो क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं थाईलैंड के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. आपकी बहुत हेल्प कर देंगे अगर आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी. बाकी बस मैं मेरी गली से निकल रहा हूँ. छोटा सा मैप है फीफी आइलैंड का. तो आके आपको पूरा मैप दिखाता हूँ. और हम सिर्फ 2 दिन स्टे करने वाले हैं तो 2 दिन के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो वो अपन पूरा देखने वाले हैं. सो गाइस ऐसी कुछ गली हैं. अभी कुछ देर पहले तो बारिश हो रही थी. पूरा भीग गया मैं. और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है. अब सब नॉर्मल है. सो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर काफ़ी सारे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं इधर. तो अगर आपको जिस भी रेस्टोरेंट में खाने का मन करता है ना आप उस रेस्टोरेंट में खा सकते हो. देख सकते हो ये. तो लोग ऐसे ना मेन्यू वगैरह भी बाहर ही लगा के रखते हैं. तो आपको जो अच्छा लगता है ना वो आप ले सकते हो.
तो गाइस ये है 7-11, अगर कहीं पर भी आपको साथ लिखा हुआ दिखता है तो 7-11 होता है वो। तो अपन ना अभी चलते हैं यहाँ से कुछ बाय करते हैं। यहाँ पर ना सारे रेडी टू बेक फूड मिलता है, तो आप कुछ भी खा सकते हो। सबा दिखा आप। सो गाइस ये सारा रेडी टू फूड रहता है, आपको बस पे करना है और इसको ना ओवन में गर्म करके दे देंगे। अब जैसे मैं जो मेनली लेता हूँ ना, मैं ये वाला बर्गर लेता हूँ। ये थोड़ा ना कॉस्टली है यहाँ पर ये 48 बात का है, सिटी के अंदर 30 समथिंग बात का है। तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा एक बार और पूछ लीजिएगा खाने से पहले कि चिकन बर्गर है या कुछ और है। बाकी जूसेस वगैरह के प्राइस भी देखोगे तो आप 25 बात, तो ये भी थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन अपन देखते हैं अपन क्या ले सकते हैं ना। और अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने, तो अभी जो मुझे मैप पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है हिमालय करके, तो एक बार जाते हैं उसका चेक करते हैं कि उसका कैसा सीन है एक बार ना। तो एक बार इंडियन रेस्टोरेंट जाके मैं उसका एक्सप्लोर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि उसका टेस्ट वगैरह कैसा है। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी आ सकते हो। फिफी आइलैंड के अंदर 2 से 3 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो अभी लेकिन मैं चेक तो आज एक ही करूँगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने इंडियन फूड नहीं खाया है, तो आज मैं पक्का इंडियन फूड खाने वाला हूँ। तो गाइस चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। सो गाइस ये है हिमालय रेस्टोरेंट, तो अभी इसमें चलते हैं। मेरा हॉस्टल यहाँ से सिर्फ 100-200 मीटर दूर ही था, सो अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। सो गाइस ये कुछ मेन्यू स्टेप का है, अगर आप चिकन सूप लेते हो तो 150 बात का पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है यहाँ पर ना थोड़ा सा महंगा रहेगा बाकी जगह से क्योंकि ये पीपी आइलैंड है, तो इसलिए। तो गाइस मैं तो या तो थाली लूँगा या तो चिकन बिरयानी लूँगा, दोनों में से एक चीज़ लूँगा। जैसे अगर थाली का प्राइस देखोगे तो यहाँ पे है 350 बात और नॉन वेजिटेरियन का है 380 बात, सो ऑलमोस्ट आप इसको 2.42 से अप्लाई कर लो, मतलब 1000 रुपये की एक थाली हो गई यहाँ पे। सो गाइस मैंने ऑर्डर दे दिया है, एक तो मैंने हैदराबादी बिरयानी की है, लेट्स सी कि कैसा टेस्ट होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंडिया जैसा तो नहीं होने वाला। उसके अलावा मैंने 40 बात का कोकोला कैन मंगाया है, थोड़ा सा मतलब 320 बात हो गया, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फिफी आइलैंड पे इतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फुकेत में खाओगे आपको सस्ता पड़ जाएगा। उसके अलावा बैंकॉक में खाओगे, बैंकॉक में मैंने 160 बात की बिरयानी खाई थी, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी थी, खाओसान रोड पर जब मैं रुका था। और गाइस अभी देखते हैं जैसे एक बार आता है तो कैसा टेस्ट रहेगा। सो गाइस ये देखो 280 बात में काफ़ी कम बिरयानी, इसमें तो एक का भी पेट नहीं भरेगा आराम से ना, तो भाई बहुत महंगा है। सो गाइस अगर खाने के टेस्ट की बात करूं तो ठीक ठाक था, लेकिन स्पाइसी था क्योंकि मैं थोड़ा माइल्ड खाता हूं। और उसके अलावा जो मुझे कैन पड़ा था 40 बात का पड़ा था, और ये 280 बात का मुझे चिकन बिरयानी पड़ा था, और ये चिकन बिरयानी मुझे जब मैंने खाओसान रोड पे गया था बैंकॉक के अंदर अप्रॉक्सीमेट मुझे 170 बात पड़ गया था। तो अगर बात करूँ ये मुझे ऑलमोस्ट डबल ही पड़ा है, डबल से थोड़ा ही कम है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि गाइस यहाँ पर एक 7-11 करके एक है, वहीं से जाके खा लो, वरना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो। सो गाइस जो मेरा हॉस्टल है उसके जस्ट पीछे ही ये बीच है, तो अभी मैं यहाँ पे। इंजॉय करने के लिए ये देखोगे आप, इस साइड भी काफ़ी बीचेस हैं और इस साइड भी काफ़ी बीचेस हैं। सो गाइस ये जो बीच के आपको पास में दिख रहा है, यहाँ पर पूरा टाइम पार्टी चलती रहती है, यहाँ पर बहुत पार्टीज होती हैं।